झज्जर जिले में अपनी ही पत्नी से आहत एक पति द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। ये मामला जिले के डालोवा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक ने खेतों में पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बताया जा रहा है कि सुबह सैर करने गए युवकों ने जब पेड़ पर शव लटका हुआ देखा तो इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। खेत में युवक द्वारा फांसी लगाने की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई और ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां मृतक की पहचान करीब 28 वर्षीय राजमिस्त्री दीपक के तौर पर हुई है। बाद में सूचना पुलिस को दी गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय नागरिक अस्पताल भिजवाया। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए FSL टीम ने भी साक्ष्य जुटाए, जहां मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें प्राथमिक तौर पर आत्महत्या करने का कारण उसकी पत्नी के अवैध संबंध होना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह कंट्रोल रूम से इधर से इतला मिली कि कोड़ोदार और डावला में एक व्यक्ति ने रस्सी का फंदा लगाकर पहाड़ी नीम से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस सूचना पर SI रामतार टीम के साथ FSL टीम के साथ वहाँ मौका पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जो दौरान निरीक्षण मृतक दीपक, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, उसकी जेब से 2 पेज सुसाइड नोट मिले। जो मृतक के भाई सोनू सनोप ओम प्रकाश ने दरखास्त पेश की, जिसमें बताया गया कि और सुसाइड नोट के आधार पर कि उसकी दीपक की पत्नी और संदीप कासमी भाई का जो जाति जाट से संबंधित है, ने मृतक दीपक को बार बार धमकी देने व इनके आपस में नाजायज संबंध से परेशान होकर इसने ये आत्महत्या की। थाना सदर प्रभारी सतेंद्र की माने तो बृहस्पतिवार सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि कड़ौदा रोड डावला में एक व्यक्ति ने रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसकी सूचना पर ASI रामपाल SFL की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। उसी दौरान मृतक दीपक की जेब से 2 सुसाइड नोट मिले। वहीं मृतक के भाई ने शिकायत देते हुए बताया कि सुसाइड नोट में दीपक की पत्नी के कासनी गांव के एक व्यक्ति से नाजायज संबंध है। वो व्यक्ति उसे बार बार धमकी भी देता था, जिसके चलते परेशान होकर उसने आत्महत्या की है। बहरहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और DSP स्तर के अधिकारी मामले की जाँच कर रहे हैं। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।